Hello and welcome to Runmi's Ed Talk. Our topic for today is What is entrepreneurship? So, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे एक टॉपिक के बारे में जो कि आपके सिलेबस में है और अगर नहीं है तो आप अगर कोई स्टार्टअप या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। हाल ही में एक रियलिटी शो जिसका नाम है शार्क टैंक, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड को बार बार यूज़ किया गया है। चलिए डिटेल्स में जानते हैं इस वर्ड का मतलब। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना कर दें। मैं रेगुलर बेसिस पे कॉरपोरेट और कमर्शियल न्यूज़ भी अपने चैनल में प्रोवाइड करती हूँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, और वीडियो के अंत में एग्जाम्पल के तौर पर एक सक्सेसफुल इंडियन एंटरप्रेन्योर के बारे में भी मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो अब चलिए पहले हम जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में। एंटरप्रेन्योर, ये वर्ड आखिर आया कहाँ से है? ये आया है एक फ्रेंच वर्ब से जो है एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब है टू अंडरटेक, यानी शुरू या आरंभ करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कोई नया आइडिया लाना और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। जैसे कि आपको पता होगा कि कई तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं लोगों के, फॉर एग्जांपल प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर या जॉब करना किसी कंपनी में। लेकिन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस खोलते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने के लिए हमें तीन टर्म्स को अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है ताकि कोई कन्फ्यूशन ना रहे। वो तीन वर्ड्स है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। अब जानते हैं इन तीन टर्म्स के बारे में। ये तीन वर्ड्स अलग अलग मीनिंग बताती है। पहले आ गया एंटरप्रेन्योर, ये एक इंसान है जो नया आइडिया लाता है या कोई इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज लाता है, इस इंसान को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब दूसरा वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मतलब है वो प्रोसेस जिसके हेल्प से एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस या एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में ला पाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसको पूरा करने पर एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में आती है। वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग लिख दिया है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो एंटरप्रेन्योर की कई सारे डेफिनेशंस है, पर मैंने यहाँ एक ही डेफिनेशन डिस्कस किया है जो कि मुझे लगता है आपको समझने में आसानी होगी और साथ में आपको एक ओवरऑल व्यू भी मिल जाएगी। ये है जोसेफ एस कंप्यूटर की डेफिनेशन। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करते हुए कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियली अ क्रिएटिव एक्टिविटी और इट इज एन इनोवेशन फंक्शन। द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, बी यूज ऑफ ए न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सी ओपनिंग ऑफ ए न्यू मार्केट, डी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए न्यू सोर्स ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, एंड ई अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जोसेफ एस कंप्यूटर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप या तो एक रचनात्मक गतिविधि है या फिर कोई कार्य में नयापन है। कार्य जैसे कि नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना या नए प्रोडक्शन की प्रणाली को यूज़ करना या कोई नया मार्केट खोलना या कोई नया साधन ढूंढना जिससे रॉ मटेरियल सप्लाई मिल सके या फिर कोई नई तरह की संस्था खोलना। यहाँ इनोवेशन और न्यू शब्द को बार बार बोला गया है और यही है एंटरप्रेन्योरशिप का मेन रूट। एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए मैंने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल ऐड किया है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल इंडियन एंटरप्रेन्योर के बारे में जिन्होंने नई और इनोवेटिव आइडिया से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसमें ऊंचाई हासिल। हम आज बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप की जिसको हमें अलग से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो है ओला कैब्स। ओला कैब्स, जो कि आप सब जानते हैं, एक सक्सेसफुल इंडियन कैब सर्विस प्रोवाइडर है जिनका निर्माण हुआ था 2010 में। इसका निर्माण किया गया था एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है भाविश अग्रवाल।
भाविश एक आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट है और ओला कैब्स के को-फाउंडर भी है। ओला कैब्स का आइडिया कैसे आया उनके दिमाग में, चलिए ये जानते हैं। ओला कैब शुरू हुआ तब जब खुद भाविश अग्रवाल को परेशानी हुई एक ट्रिप के दौरान। वे बेंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे जब बीच रास्ते में उनको टैक्सी ड्राइवर ने उतार दिया क्योंकि उन्होंने तय किए गए रकम से ज़्यादा पे करने से मना कर दिया। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा प्रॉब्लम हर कोई फेस करता होगा और तब उनके दिमाग में ओला कैब्स का आइडिया आया। 2010 में ओला कैब शुरू हुआ। इनिशियली उनको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा, फिर धीरे धीरे पैसेंजर्स को ओला ऐप के थ्रू टैक्सी बुक करने में आसानी होने लगी और ओला एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गया। एंटरप्रेन्योर के हैसियत से भाविश अग्रवाल को बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिले। तो ये रही एक इंडियन एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल जिन्होंने नई और इनोवेटिव आइडिया से एक एंटरप्राइज सेट किया और इसी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ बेनिफिट हुई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक पर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।